नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर चुके थे 2015 तक MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के पेपर सॉल्व कर चुके हम लोग 2015 तक पिछले लेक्चरों में। अब इसमें बात करते हैं MPPSC 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और ये भी दो घंटे का रहता है और 200 नंबर का रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं। तो याद रखना है, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनवाना। दिसंबर 2000 से क्रियान्वित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य देश के सभी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना एवं पक्की सड़क का निर्माण करना है। ठीक, याद रखिए। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो याद रखिए, 1995 में। मध्य प्रदेश में खनिज नीति वर्ष 1995 में घोषित हुई, ये ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो आपको याद रखना है कृषि प्रधान, ये ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 42.9% भाग कृषि पर, कृषि से पर आधारित है, कृषि पर। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो याद रखिए, इंदौर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखना, 7.2 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की राज्य की जनसंख्या 7,26,26,809 थी। मध्य प्रदेश का जनसंख्या के मामले में देश में छठा स्थान है और क्षेत्रफल के मामले में दूसरे स्थान पर है, याद रखिए। छठवां क्वेश्चन है, गोल्ड ईयर एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ है, कहाँ स्थित है? इंदौर में। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है, 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत नरेगा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 से शुरू हुई। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1961 में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 28 दिसंबर 1961 को हुई थी। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, केंद्रीय जांच आयोग CBI को, केंद्रीय जांच आयोग CBI को नामक संस्था को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी गई थी या कहा गया था। दसवां क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनके जन्मदिवस 31 अक्टूबर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, 2017 का शूटिंग विश्व कप कहाँ होना है, हुआ था? तो यह भारत में। वर्ष 2017 का शूटिंग विश्व कप टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ था।
12वां क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काफी में को मुद्रा कोष में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? तो याद रखिए सुबीर गोकर्ण। नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निर्देशक सुबीर गोकर्ण को नियुक्त किया गया। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में एक नहीं है? तो आपको याद रखना है कनाडा नहीं है, ब्राजील है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स संगठन में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। कनाडा देश इस संगठन में शामिल नहीं है। पांच देश हैं याद रखिए, कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। 14वां है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो आपको याद रखना है INS सिंधु रक्षक, बी ऑप्शन है। INS सिंधु रक्षक वर्तमान में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। 15वां क्वेश्चन है, द किलर इंसीटेक्ट के लेखक कौन है? तो OP सभरवाल। द किलर इंसीटेक्ट के लेखक हैं OP सभरवाल। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो आपको याद रखना है स्पेन। विकसित देशों का संगठन G8 का सदस्य उपयुक्त विकल्पों में से स्पेन नहीं है। रूस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, स्पेन नहीं है। 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अंटाल्या तुर्की में, बी ऑप्शन है। सर नवंबर 2015 में विकासशील देशों के संगठन G20 का शिखर सम्मेलन तुर्की देश के अंटाल्या शहर में आयोजित हुआ था। 18वां देश, अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? तो वो याद रखिए ताजमहल। सोशल नेटवर्क फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग अपनी भारत यात्रा के दौरान आगरा में स्थित ताजमहल को देखने गया था। 19वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? आयकर। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया। 21वां क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में, ए ऑप्शन सही है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ये संबंधित है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये भी संबंधित है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान ये भी संबंधित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये नहीं है, ठीक। याद रखिए संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन है इसमें। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है, याद रखना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। 23वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरिता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रेरिता कौन है? तो आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगोड़ा। चिपको आंदोलन के प्रेरिता सुंदरलाल बहुगोड़ा हैं।
जिन्होंने पेड़ों की अवैध कटाई के विरोध पर्यावरण संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया। ठीक, 24वां क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है राजेंद्र सिंह, पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। पच्चीसवां क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, सी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, ओजोन छिद्र का कारण क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, इसी के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। 26वां क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण संबंधित है, तो याद रखना दुग्ध के निर्जलीकरण से, पाश्चुरीकरण दुग्ध के निर्जलीकरण से संबंधित है। इस विधि का आविष्कार वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था। 27वां क्वेश्चन है, पितम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप, हरित पादक पादप पितम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। 28वां क्वेश्चन है, स्टार्च एक है तो आपको बता देना है पॉलीसेकेराइड, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड नामक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, जबकि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। 29वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है, तो याद रखने 11 नवंबर 1956 से। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो याद रखने उपयुक्त सभी, जलवीय पारावीय एल्कोहलवीय। सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जबकि कोयला नाभिकीय ऊर्जा एवं पेट्रोल ऊर्जा के आव नवीकरणीय स्रोत हैं। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो याद रखना है यूरेनियम, कोयला पेट्रोलियम गैस जीवाश्म ईंधन है, यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है जबकि कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होता है? तो आपको बताना है पारा, साधारणतः बैरोमीटर में पारा मरकरी द्रव का उपयोग होता है। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो आपको बता देना है वॉट, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, लेकिन वॉट नहीं है। वॉट ऊष्मा की इकाई नहीं है जबकि कैलोरी किलोग्राम, किलो कैलोरी, किलो जूल ऊष्मा की इकाई है। बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की, तो मायोपिया किस अंग का दोष है? तो आपको बता देना है नेत्र का, मायोपिया निकट दृष्टि दोष नेत्र अंग का दोष है। इसमें दूर स्थित वस्तु साफ नहीं दिखाई देती जबकि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 35 क्वेश्चन नंबर है, सिरका का रासायनिक नाम है? तो आपको बता देना है एसिटिक अम्ल, सिरका का रासायनिक अम्ल एसिटिक अम्ल है जबकि इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है एवं चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। 36 का है, स्तनधारियों में शोषण होता है तो याद रखिए फुसफुस से, फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस, स्तनधारियों में शोषण फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा होता है, आपको याद रखना है। 37 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखिए यकृत, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। 38 क्वेश्चन नंबर, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो आपको बता देना है हीलियम, निष्क्रिय गैस,
हीलियम नोबल गैस कहलाती है। एक गैस आसानी से किसी तत्व अभिक्रिया नहीं करती है किसी भी तत्व से। आलू, आलू एक है, आलू है एक, तो आपको बता देना है कंद। आलू एक कंद है, इसलिए तो आलू को वनस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबर रोसम है, ट्यूब रोसम है। याद रखिए 40वां क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को। ए ऑप्शन सही है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के प्रमुख चार महानगरों दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है। 41वां है, साइंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए केरल से संबंधित है। साइंट वैली शांत घाटी परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है 42वां, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। डी ऑप्शन है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई, जबकि राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण 2009 में स्थापित हुआ। 43 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बेडलैंड परिणाम है अवनलिका अपरदन का। मध्य प्रदेश की उत्खान भूमि अवनलिका अपरदन का परिणाम है। यह सर्वाधिक समस्या भिंड मुरैना जिले में चंबल नदी से, जिसे चंबल के विहेड़ के नाम से जाना जाता है। 44वां क्वेश्चन है, भूतापीय पूजा पर आधारित मणिकरण विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 45वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिवगाड़ है? तो आपको बता देना है कोची में। भारत में कोची बंदरगाह का सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिवगाड़ है, जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो याद रखिए राणा प्रताप सागर। राणा सागर जलाशय, राणा प्रताप सागर जलाशय चंबल नदी पर राजस्थान के चित्तौड़ जिले में बना है, जबकि जवाहर सागर गांधी सागर चंबल नदी पर बने अन्य जलाशय हैं। राणा सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सभी बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं, याद रखिए। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो आपको आंध्र प्रदेश तट। हुदहुद चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। 48, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा रेड क्लिफ सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो याद रखिए मत्स्य पालन। अन्य क्रांति को देख लेते हैं, पुष्प कृति उत्पादन से फ्लोरी कल्चर है, रेशम उत्पादन से सीरी कल्चर है, मत्स्य पालन से पीसी कल्चर या नीली क्रांति है, बागवानी से हॉर्टिकल्चर है। तो याद रखिए पुष्प कृति क्षेत्र से संबंधित कौन सा है? फ्लोरी कल्चर, रेशम से सीरी कल्चर, मत्स्य पीसी कल्चर या नीली क्रांति, बागवानी से हॉर्टिकल्चर। 50वां क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो याद रखिए वैरन। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समीप स्थित वैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है। 51वां क्वेश्चन है, 51, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र के, तो आपको याद रखना राजस्थान पहले पर है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तमिलनाडु, फिर कर्नाटक।
राज्य भारत के राज्य, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही है। भारत के राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र में घटते क्रम में इस प्रकार लगाया जा सकता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत, तो याद रखिए यह है कौन कौन से पर्वत हैं? काराकोरम, लद्दाख, विंध्य हिमालय एवं पीर पंजाल। सॉरी, क्या था क्वेश्चन? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह विंध्य हिमालय व पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो आपको याद रखना है विंध्य हिमालय व पीर पंजाल। विंध्य हिमालय एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है अनाई मुड़ी। दोदा बेटा सेकंड स्तर पर है दक्षिण भारत में, ठीक है, पहले पर अनाई मुड़ी है। ये ऑप्शन सही है, याद रखिए। अनाई मुड़ी 2969 मीटर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दादा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है एवं गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला में की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह तीन क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दादा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना ये सभी। अगला है 54वां क्वेश्चन। कौन सा? 54वां। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आपको बता देना है बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा लगती है मध्य उससे भारत से 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ लगती है 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। 55वां है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा है? धारा 2M। लोक सेवक की परिभाषा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में है। आपको बता दें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? ये अध्यादेश द्वारा 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ और 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की सहमति हस्ताक्षर हुए, उसके बाद अधिनियम बनाए। ठीक है, तो अध्यादेश के द्वारा ये 28 सितंबर 1993 में लागू हो गया था। 56 है, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष और राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। आपको यहाँ याद रखना है नीति आयोग किसे स्थापित करके आया है? योजना आयोग को। योजना आयोग को, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है पूछा है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, ये सही है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये गलत है। ठीक है, यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा वित्तीय स्थापित किया जा चुका है, ये भी सही है। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, 157 का। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को ब्रिटिश शासन ने बनाया था, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा वित्तीय स्थापित किया जा चुका है, किस
किंतु इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था। 58वां क्वेश्चन है, 58 बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो याद रखना है 1945। बेबेल योजना 4 जून 1945 को प्रस्तुत की गई, जिसके तहत 25 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। चटगांव आर मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो याद रखिए सूरसेन। चटगांव आर्मरी रेड सस्तागार षड्यंत्र कांड मास्टर सूरसेन से संबंधित है। चटगांव आर्मरी कांड ये 8 अप्रैल 1930 को हुआ, 18 अप्रैल 1930। 60 क्वेश्चन नंबर 60 फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1900 में पेरिस में। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। याद रखिए फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। 61वां क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स को। लंदन स्थित लॉर्ड्स स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जबकि ईडन गार्डन्स कोलकाता, ग्रीन पार्क कानपुर स्टेडियम भारत में स्थित है। तो याद रखिए लॉर्ड्स। 62 निकोलो कांटी कौन था? एक इटली का यात्री जिसने विजयनगर की साम्राज्य की यात्रा की थी। बी ऑप्शन है इसमें। निकोलो कांटी इटली का एक यात्री था जिसने देव राय प्रथम के शासनकाल में 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। 63वां क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1953 में हुआ था। 64वां क्वेश्चन नंबर वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिए कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है, जबकि एडम स्मिथ का आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो आपको याद रखना है त्रिस्तरीय। बी ऑप्शन सही है। 65 का इसकी व्याख्या देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा पर 1957 में की थी। 66 है कौन सा क्वेश्चन नंबर 66 भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की का प्रावधान 124 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान है। 67वां क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो याद रखना है संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ में किया गया है। 68वां क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? 68वां क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो आपको लोगों को बता देना है रामदास। ये ऑप्शन सही है। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था, जबकि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम साहेजी भोंसले था। 69वां क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेर शाह सूरी की मृत्यु सन 1545 में कलिंजर आक्रमण के दौरान हुई थी। अब है हमारा 70वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, तो आप लोगों को बता देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कॉमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1955 में हुआ था।
71 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? सेप्स, सेंसेक्स, बीएसआई, निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित हैं, जबकि सेप्स शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। सेंसेक्स और बीएसई निफ्टी ये शेयर बाजार से संबंधित हैं, याद रखना। 72 क्वेश्चन नंबर, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, याद रखना। इसमें झाबुआ, झाबुआ जिले की 86% से अधिक जनसंख्या आदिवासी है। भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में। भारत भवन भोपाल में स्थित है, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में। भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई। 74वां क्वेश्चन, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो याद रखा, अगरिया। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। लोहासुर का निवास स्थान धधकती हुई भट्टी से में माना जाता है। अगरिया जनजाति लोहे के औजार बनाकर अपना जीविकोपार्जन करती है। 75वां क्वेश्चन, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ स्थल है? तीर्थ है तो खजुराहो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में निर्मित मंदिरों को मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों ने कराया था। 76वां, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हैं? तो याद रखिए, विदिशा में, बी ऑप्शन है। 76वां की गुफाएं विदिशा में हैं। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में हैं। बाकी गुफाएं धार में हैं। तो याद रखिए, 76वां की गुफाएं कहाँ हैं? विदिशा में। भीमबेटका रायसेन, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन, बाकी गुफाएं धार में। 77वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो आपको बता देना है, सोडलपुर। मध्य प्रदेश कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर जिला हरदा में लगता है, ठीक है। भारत में 29वें राज्य की राजधानी है? तो बता देना है आपको, हैदराबाद। भारत के 19वां राज्य तेलंगाना है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। इसकी राजधानी हैदराबाद में है। आपको एक बात बता दें, अभी जम्मू कश्मीर से 2019 में 5 अगस्त को 2019 में 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और 35 ए धारा हटा दी गई है और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। तो 2019 की बात कर रहा हूँ, करेंट में 2019-20 के बीच 28 राज्य बचे हुए हैं भारत में और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। 79वां क्वेश्चन है, सुचिता सेन कौन थी? तो आपको बताना है, अभिनेत्री। सुचित्रा सेन एक अभिनेत्री थी। 80वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जलवायु किस प्रकार की है? तो आपको बता देना है, मानसूनी प्रकार। मध्य प्रदेश के जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, मानसूनी प्रकार की है। 81, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक विभाग में है? मध्य भारत पठार। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत का पठार नामक भौतिक क्षेत्र में है। 82वां क्वेश्चन, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो याद रखिए, धुआंधार जलप्रपात। भेड़ाघाट जबलपुर पर नर्मदा नदी पर स्थित है, जबकि दुग्धधारा कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही अनूपपुर जिले में स्थित है तथा चचाई जलप्रपात भीयर नदी पर रीवा में जिले में स्थित है। तो चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो भीयर नदी पर रीवा जिले में है। 83वां, तावा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। तावा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है।
ताबा नदी वद्राभान नामक स्थल पर नर्मदा नदी में मिलती है। 84वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो आपको बता देना है महादेव की पहाड़ियों पर, बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। 85वां क्वेश्चन, कौन सी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो आपको बता देना है कैमूर। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। 86वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। तो याद रखिए महादेव पहाड़ियों में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। याद रखिए, ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। एक कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो महादेव पहाड़ियों में, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ठीक है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। 87वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो याद रखिए धारा 18 आपको याद रखना है। अब 18A जोड़ी गई है इससे संबंधित, क्योंकि पहले जो निर्णय आया था न्यायालय का, उसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया था, लेकिन जो फिर केंद्र सरकार ने दोबारा विधेयक लाकर 18 जोड़ दी गई है, जिसमें अब अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। याद रखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू हुआ ये 11 सितंबर 1989 को, और इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 11 सितंबर 1989 को, और 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ। ठीक है, अब ये पूरे भारत में लागू होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 हटा दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित थी। फिर हमारा 88वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किन्हें हैं? तो याद रखिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, सॉरी केंद्र सरकार को है, केवल केंद्र सरकार को, बी ऑप्शन सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति धारा होगा, अधिनियम में धारा होता है, याद रखना, धारा 23 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है, फिर हमारा 89वां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता की कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो याद रखिए धारा 6। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को का लागू होना उपबंधित है। बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो आपको 17 रखना है याद, धारा 17। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 17 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन उपबंधित किया गया है। 91वां क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन सही है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह विभिन्न कंप्यूटर को
इंटरनेट से आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियमों का एक समूह है। 90 क्वेश्चन नंबर 92, वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो आपको याद रखना है वेबकैम। वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु वेबकैम कैमरा डिवाइस अनिवार्य है। 93वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो आपको याद रखना है बाइडू। बाइडू चीन का एक सर्च इंजन है, जबकि कुकीज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। 94वां क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, ए ऑप्शन सही है। स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। इंटरनेट पर ईमेल का उपयोग कर किसी अवांछित मैसेज को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना स्पैम कहलाता है। 95वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फेंकने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं को प्रभावित करता है। 96वां क्वेश्चन है, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो अजीम प्रेमजी हैं। अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी से संबंधित हैं। रतन टाटा टाटा समूह से, अनिल अंबानी रिलायंस समूह से, आदित्य बिड़ला आइडिया कंपनी से संबंधित हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है? गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है? तो आपको याद रखना है क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विकसित किया है। एप्पल ने सफारी, गूगल ने गूगल क्रोम, मोजिला ने फायरफॉक्स। ठीक है, 98वां क्वेश्चन है, एरी एक्सेल एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है सेल। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है वह सेल कहलाती है। स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 99वां क्वेश्चन है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है? तो याद रखिए 1 मेगाबाइट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। लास्ट क्वेश्चन है 2016 के प्रारंभिक परीक्षा का, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है? तो उपयुक्त सभी है, वित्त का अभाव, शक्ति का अभाव, कच्चे माल का अभाव। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है वित्त का अभाव, शक्ति का अभाव, कच्चे माल का अभाव, निजी पूंजी निवेश का अभाव। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा 2016 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे MPPSC 2017 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर, उसे हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे।